हां सुना दे लोंडे हां तो आज कुछ नहीं भाई यार आज वो लेट हो गया था तो पीछे बैठ गया मैं तेरे को पता है यार बस चुड़ैल बोल रही यार मैडम लेट क्यों हो गया वे कहां है ऋषभ बर्गर भी अरे कुछ नहीं यार वो वहां बैठे हुए थे स्ट्रीट हाउस में शायद उनकी बंदी भी साथ में है चल चल तेरे को मारेंगे चल 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 दैट सालों अकेले अकेले खा रहे हो अरे भाई की तो बंदी रह गई है सही है यार तेरा तो हमारे भी कोई फंसवा दे अरे तुम तो रिलेशन वाले बंदे हो अरे हाँ भाई का तो ब्रेकअप हो गया आज है हाँ भाई आज हाँ बंची हो गया क्या बात है हमारे वाह चिंते क्या बात है अरे भाई अब हमारे भी करवा दे तूने तो इतनी फंसा रखी है एक दो इधर भी भेज दे अरे ऋषभ इसकी बोला करा दे भाई जो अभी जिसको सपोर्ट थी अभी अच्छा वही हाँ दे दो इसको आइडिया रे कर ले गाना बात हाँ देख इसका ना भी अभी ब्रेकअप हुआ है और अगर कंधा दे सकता है तो दे ले अरे बढ़िया है भाई डन कर दे यार इसको तो कर लेगा बात हाँ हाँ तुम्हारा भाई देख लेगा सब बस तुम थोड़ा सा मैं तो भाई का सीन देख रहा इतनी लड़ी अरे यार कितनी धूप हो गई चलो यार बहुत गर्मी हाँ यार चलो यार अरे हाँ आजा इसको इसके मजे लेते हैं चल बस भगा लियो तू यार जिसकी आईडी दी थी आकांक्षा हाँ कहाँ तक पहुंची तुम्हारी बात अरे कहाँ तक क्या यार क्यों दिक्कत आ रही है मिलने ही नहीं आ रही कह रही है फैमिली प्रॉब्लम है एक काम कर मैं उसको बुलाऊंगा मिलने हाँ। और तू आ जियो क्या बात कर रहा है तेरा भाई वहां तक चला जाएगा अरे बस और क्या चाहिए यार हे आकांक्षा कल आ रही हो ना हाँ मैं कल आ रही हूँ तो मैं पिकअप करने आ जाऊँ फिर तुम्हें नहीं नहीं ऋषभ कर लेगा मुझे पिक मैं उसके साथ आ जाऊंगी ओके आ गया वो कहाँ रह गया था कहीं नहीं आया कहाँ से
एक सेकंड तुम कंटिन्यू करो मेरा फोन आ रहा है। हेलो नहीं आ सकी हमारे बिना, चलो देखें तो जरा। नहीं आ सकी चल रही है, जरा देखें तो। कोई नहीं अकेले अकेले। अकेले अकेले साल। नमस्ते आवी जी। आवी जी, I'm not your भाभी जी। अबे भाभी नहीं है तो अबे यार समझा यार, एक सेकंड कंटिन्यू रखो, चलो भाई। अबे वो छोड़, ग्रुप देख यार कितने बंदे ऐड हो गए हैं। तो बढ़िया है ना, बनने दे ग्रुप को। अबे यार फिर भी अब पता नहीं ना यार किसने बनाया है ग्रुप, दिक्कत होगी कोई। अरे क्या दिक्कत होगी, ग्रुप ही तो है, मजे ले आएंगे। अरे छोड़ ना यार, तू इतनी क्यों टेंशन ले रहा है इसकी। हाँ छोड़ अपने को, क्या जाने चप्पड़ मार जाए। हां आ जाएगा छीन में से चाय निकलेगी। अरे तूने वो नए ग्रुप का नाम सुना है, वो चल रहा है जो लोग का रूम टॉक। हाँ भाई सुना तो बहुत है, काफ़ी चल रहा है आजकल लड़कों सुना है। उसमें एक नंबर लड़कियों के नंबर मिल जाते हैं, पर लेकिन दिक्कत इस साल में ये कि उसमें एंटर कैसे हूँ। तो पीछे उन लड़कों को देख रहा है बकचोदी करते हुए, वो ऐड है उन दोनों में, और हमें भी करा सकते हैं। अच्छा हाँ, तेरी ट्यूशन के लड़के हैं, तू जाके बात कर। रुक मैं जाता हूँ सालों के पास, चल। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। The number you have dialed is currently busy. Please try later. मेरे पास क्या है ये, तो कल से मेरे को इग्नोर क्यों कर रही हो? तेरे पता तो एटलीस्ट क्या हुआ। अब तुम्हें भी बताने की जरूरत पड़ेगी। प्लीज यू नीड टू टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन। तुम्हें क्या लगता है क्या चल रहा है मेरे माइंड में? अरे तुम बताओ ना तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं दिखाती हूँ, प्रॉब्लम ये क्या है। अरे कांचन ने सारी ग्रुप की चैट देख लिया है। तो इतनी क्यों फट रही है? अरे तेरे को स्क्रीनशॉट भेजे थे क्या उसको? कैसे स्क्रीनशॉट? अरे हमारे ग्रुप के यार सारे पढ़ लिया, अभी दिखाया उसने। अबे छोड़ यार, मैं बाद में बात करता हूँ, बाहर हूँ मैं, फोन काट।
हेलो अरमान, ये क्या हो गया भाई? घर पे और पता चल गई है और घर के फोन और ले लेंगे मेरा। भाई पता नहीं यार, आकांक्षा को भी यार पता लग गया यार, सारी चैट सभी देख के आया हूँ। भाई भाई पता करो यार, किसने कर दिया यार ये सब। ये मैं करता हूँ यार, मम्मी का कॉल आ रहा था पीछे से। हेलो, हाँ मम्मी, नहीं वो कुछ नहीं, वो ऐसी मजाक था, आप घर आ जाओ फिर बताता हूँ। हेलो हेलो हेलो, कितनी गंदी हरकत है, लड़कियों की इज्जत नहीं करी जाती। तुम्हें तो अच्छा सबक मिलना चाहिए, दोस्ती के लायक भी नहीं हो तुम लोग। बहुत बड़ा मैटर हो गया यार, पुलिस की अभी कॉल आई थी मेरे पास और पता नहीं किसने हमारी कंप्लेन करी है और सारी चैट जितनी भी आप चैट करते ना सारी दिखा दी उन्होंने। मुझे बोर्डर लग रहा है भाई। इंस्टाग्राम की बदनाम तिजोरी, बॉयज लॉकर रूम में बड़ा खुलासा, दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा, लड़के के भेष में निकली लड़की। जी हाँ, बॉयज लॉकर रूम, इसको लेकर हमने आपको खबर दिखाई थी। इस स्कैंडल में माँ बाप को चिंता में डाल दिया था। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर इस स्कैंडल ने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब इस कहानी में आ गया है ट्विस्ट। आपके मन में होगा ऐसा भी क्या ट्विस्ट आ गया? दरअसल बॉयज लॉकर रूम में सबसे बड़ी आरोपी बनकर उभर रही है एक लड़की।